संजोग उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति उन्नीस की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी हैं इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया गया है वामल भोसले एवं गुरुदत्त सहल्ला द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया बाईस नवम्बर उन्नीस को ये मूवी रिलीज़ हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश वो इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहाँ वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफसाद अफ पागल हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाओं के दिन रात नशे में डूब जाता है नतीजतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वह उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो पर यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यही पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन है और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर आचरेकर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनेना के रूप में डाला गया नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है अगा बिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लालाजी के रूप में यूसी यूनुस परवेश चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू जू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंदलाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू आए सुरेश वाडकर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूँ एस पी सोलाजी कविता कृष्णमूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड vote.com कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उन्हें 2003 हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीवि फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी इंटरने के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिया वर्ष इनकी उन्नीस उन्नी उन्नी वर्तमान में थी संगठन बालाजी टेली फिल्म, बालाजी मोशन फिल्म पिक्चर्स ओल्ड बालाजी जन साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस सौ चौहत्तर में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गाँव मुंबई में सेठ सेबलिस्टियन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960, 1960 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक भी शताराम की गीत गाया पटनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती 1968 में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बाहरों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फर्ज के बाद कारवा और हम जोशी फिल्म जैसी फिल्में आई जिनमें अजितंदन ने डांस नंबर ज़्यादा थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग दो सौ फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी भरसाथियों के लिए खिमेल खाती है टी राना टी रामा राव के बापष्य के राघवेंदर राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस चौधरी मवाली उन्नीस सौ तिरासी हिम्मतवाला उन्नीस सौ तोहफा उन्नीस शामिल है शामिल हैं हिंदी के मेकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माजिर मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है व्यक्तिगत जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेज के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई की रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभी अभिनेता है जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है दो हज़ार दो में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिचहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप बैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और वे अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े दस से या साढ़े ग्यारह साढ़े दस या साढ़े दस या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें फ़ोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ वह जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस सौ नवासी से 18वें उज्जला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंट ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला दो में लाइल्स गोल्ड्स अवार्ड्स के मिल गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयपरदा इस जय जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ बासठ में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक है सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जब जा प्रदा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देशम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने करियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टी डी पी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेमित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवन साथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल लेनी कथा उन्नीस में सीता कल्याण उन्नीस में अदाबी रामोड़ उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में सीरी गिरी उन्नीस सौ उन्नीस में हुलिया हली नेवू उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ में अमेरिका मोन मोनागार्डू उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में एलानीजंगस सौ नवासी में आज का अर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर संगीलियाँ प्रायसा दो हज़ार संजो उन्नीस सौ पिचासी की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतमद्ध संगीत है यह है फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति उन्नीस की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी है इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया गया है वामल भोसले और गुरुदत्त सहल द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया बाईस नवम्बर उन्नीस को ये मूवी रिलीज हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश और इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहाँ वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफ अवसाद हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह स्थानागत हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाव के दिन रात नशे में डूब जाता है नतीजतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती है और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वह उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो परी यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यहीं पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन हैं और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर आचरेकर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनैना के रूप में डाला गया है नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है आगाबिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लालाजी के रूप में यूसी यूनु प्रवेश चंद चन, चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू आए सुरेश वाड़कर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूँ एसपी पी सोलाजी कविता कृष्णमूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वोट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उन्हें दो हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो उन्नीस के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीवि फिल्म बालाजी मोशन फिक्चर्स और ए एल टी इंटरटेनमेंट्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और इन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिय वर्ष इनकी उन्नीस वर्तमान उन्नी उन्नी में थी संगठन बालाजी टेलीफिल्मलाजी बाला मोशन फिल्म फिक्चर्स ओल्ड बालाजी जनसाथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस में इन्होंने शादी की थी इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिरोह गांव मुंबई में सेठ गोन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960, 1960 से 1990 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक भी संताराम की गीत गया पठनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती उन्नीस में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज आ, फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बहारों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिल रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फ़र्ज के बाद कारवा और जोशी फिल जैसी फिल्में आई जिनमें अजित थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी बरसाथियों के लिए मेल खाती है टी राव टी के के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस मेचौधरी मवाली उन्नीस सौ हिम्मत हिम्मतवाला उन्नीस सौ तोहफा उन्नीस सौ शामिल है उन्होंने हिंदी के मेकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माजीरे मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है व्यक्तिगत जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेज के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई के रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभी अभिनेता है जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है 2002 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिछहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप वैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और भी अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े दस से या दस या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें के फोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ वे जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस से अठारहवें उज्जला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला 2012 में लाइल्स गोल्ड्स अवार्ड्स के भी गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयपर्दा इस जय जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ बासठ में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक है सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जयपर्दा जा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देसम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टी डी पी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद थी लिया। तेरह मई दो हजार चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेम ललित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवनसाथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल कथा उन्नीस में शीता कल्याण उन्नीस में आदाबी रामूड़ उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में श्रीगिरी उन्नीस सौ उन्नीस में हुलिया हली न मेवू उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ उनासी में अमेरिका मोन मोनागार्डू उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में एलानीजंगस सौ नवासी में आज का अर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर सं, संगीलिया प्रायसा दो हजार संजो उन्नीस सौ पिचासी की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मलिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति उन्नीस की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी है इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया गया है वामल भोसले और गुरुदत्त से द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया 22 नवम्बर उन्नीस को ये मूवी रिलीज़ हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश वो इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहाँ वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफसाद अफ पागल हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह स्थानागत हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाओं के दिन रात नशे में डूब जाता है नतिजंतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती है और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और, और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वे उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो परी यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यहीं पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन है और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयपर्दा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर आचरकर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनेना के रूप में डाला गया नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश को डाला गया है आगाबिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लाला जी के रूप में यूसी यूनु प्रवेश चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंद लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू आए सुरेश वाडकर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूँ एस पी सोलाजी कविता कृष्ण मूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्श्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वॉट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उन्हें 2003 हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीविज फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी इंटरने इंटरटेनमेंट्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिया वर्ष इनकी उन्नीस उन्नी उन्नी वर्तमान में थी संगठन बालाजी टेलीफिल्मलाजी मोशन फिल्म फिक्चर्स ओल्ड बालाजी जन साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस सौ चौहत्तर में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ इनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गाँव मुंबई में सेठ सेब्लिस्टियन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960, 1960 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक संताराम की गीत गाया पठनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती 1968 में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बाहरों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फर्ज के बाद कारवा और हम जोशी फिल्म जैसी फिल्में आई जिनमें अजितंदन ने डांस नंबर ज़्यादा थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग दो सौ फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ भर साथियों के लिए खिमेल खाती है टी राना टी रामा राव के बापष्या के राघवेंदर राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस चौधरी मवाली उन्नीस सौ तिरासी हिम्मतवाला उन्नीस सौ तिरासी तोहफा उन्नीस सौ चौरासी शामिल हैं जिन्होंने हिंदी केमिकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माज मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है व्यक्तिगत जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेज के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई के रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभी अभिनेता है जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है दो हज़ार दो में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिछहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप वैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और वे अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े दस से या साढ़े ग्यारह साढ़े दस या साढ़े दस या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें फ़ोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ वे जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस से 18वें उज्जवला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स तुमको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविज़न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला 2012 में लाल्स गोल्ड अवार्ड संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयप्रदा इस मु जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जब जा प्रदा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देसम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टी डी पी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद थी जे इनका कार्य तेरह मई दो हजार चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह दस अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेम ललित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस सौ बासठ राजमुंदी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवन साथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल लेनी कथा उन्नीस में सीता कल्याण उन्नीस में आदाबी रामू उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में सिरीगिरी उन्नीस 19, मूवा उन्नीस में हुलिया हली मेवू उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ उनासी में अमेरिका मोन मोनागार्डू उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में एलानीजंगस सौ नवासी में आज का अर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में, में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर सं, संगीलिया प्रायस दो हजार संजो 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत भी मल्लिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति 1975 की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी हैं इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया, किया गया है वामल भोसले और गुरुदत्त सहल द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया बाईस नवम्बर उन्नीस को ये मूवी रिलीज हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश और इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहाँ वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफ अवसाद हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह स्थानागत हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाओं के दिन रात नशे में डूब जाता है नतीजतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती है और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वह उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो परी यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यहीं पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन हैं और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर आचरेकर को डाला गया असरानी रूप डाला गया, सुने, के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनैना के रूप में डाला गया है नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है आगाबिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लाला जी के रूप में यूसी यूनु प्रवेश चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू जू जू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंद लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू आए सुरेश वाड़कर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूँ एस पी सोलाजी कविता कृष्णमूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वोट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उन्हें दो हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो उन्नीस के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीवि फिल्म बालाजी मोशन फिक्चर्स और ए एल टी इंटरटेनमेंट्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिय वर्ष इनकी उन्नीस वर्तमान में थी संगठन बालाजी फिल्म, बालाजी मोशन फिल्म फिक्चर्स ओल्ड बालाजी जन साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गांव मुंबई में सेठ गोन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 1960 से 1990 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक भी संताराम की गीत गया पटनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती उन्नीस में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बहारों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिल रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फ़र्ज के बाद कारवा और जोशी फिल जैसी फिल्में आई जिनमें अजित थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी बरसाथियों के लिए मेल खाती है टी राव टी के बापिया के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस मेचौधरी मवाली उन्नीस सौ तिरासी हिम्मतवाला उन्नीस तोहफा उन्नीस सौ शामिल है उन्होंने हिंदी के मेकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माजीरे मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है व्यक्तिगत जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेज के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई के रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभी अभिनेता हैं जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है दो हजार दो में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में छः नवम्बर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिछहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप वैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और भी अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े दस से साड़े साड़े दस या दस या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें के फोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ वे जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस सौ से अठारहवें उज्जवला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला, मिला 2012 में लाइल्स गोल्ड अवार्ड्स के भी गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयप्रदा इस जय जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ बासठ में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जयप्रदा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली और मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देसम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टी डी पी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद थी तेरह मई दो हजार चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयपदा का रियल नेमित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवनसाथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल्लेनी कथा उन्नीस में सीता कल्याण उन्नीस में आदाबी रामूड़ उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में सिरिगिरी उन्नीस मूवा उन्नीस में हुलिया हली में उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ उनासी में अमेरिका मोनागाडो मुन, उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में ऐलानीजंग उन्नीस सौ नवासी में आज का अर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर सं, संगीलिया रायसा दो हजार संजो उन्नीस सौ पिचासी की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मलिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह है फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति उन्नीस की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी है इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया, किया गया है वामल भोसले और गुरुदत्त सहला द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया 22 नवम्बर उन्नीस को ये मूवी रिलीज़ हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश वो इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहाँ वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफसाद अफ पागल हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह स्थानागत हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाओं के दिन रात नशे में डूब जाता है नतिजंतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती है और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वे उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो परी यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यहीं पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन है और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर आचरेकर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनेना के रूप में डाला गया नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है आगाबिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लाला जी के रूप में यूसी युनु प्रवेश चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू जू जू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंद लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू आए सुरेश वाडकर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूँ एस पी सोलाजी कविता कृष्ण मूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वोट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है उन्हें 2003 हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो 1980 के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्सर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीवि फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल उन्नीस की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सक्रिय वर्ष इनकी उन्नीस उन्नी उन्नी वर्तमान में थी संगठन बालाजी टेलीफिल्म टेलीफिल्मलाजी मोशन फिल्म फिक्चर्स ओल्ड बालाजी जन साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस सौ चौहत्तर में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ इनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गाँव मुंबई में सेठ सेब्लिस्टियन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960, 1960 से 1990 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक संताराम की गीत गाया पठनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती 1968 में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज आ, फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बाहरों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम डे, ड्रेम मार्क बन गया फर्ज के बाद कारवा और हम जोशी फिल्म जैसी फिल्में आई जिनमें अजितंदन ने डांस नंबर ज़्यादा थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग दो सौ फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी भरसाथियों के लिए मेल खाती है टी राना टी रामा राव के बापष्य के राघवेंदर राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस मेचौधरी मवाली उन्नीस सौ हिम्मत हिम्मतवाला उन्नीस तोहफा उन्नीस सौ चौरासी शामिल हैं जिन्होंने हिंदी के मेकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माज मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है के जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेज के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई के रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालनिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभी अभिनेता है जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है दो हज़ार दो में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिछहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप वैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और भी अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े दस से या साढ़े ग्यारह साढ़े दस या साढ़े दस या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें फ़ोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ वह जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस से 18वें उज्जला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंट ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला, मिला, मिला दो में लाइल्स गोल्ड्स अवार्ड्स के मिल गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयपरदा इस जय जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जब जा प्रदा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देसम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया टीडीपी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक के संसद थी। जे इनका कारिय 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 कर दो हजार चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेमित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवन साथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल्लेनी कथा उन्नीस में सीता कल्याण उन्नीस में आदाबी रामोड़ उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में सीरी गिरी उन्नीस सौ उन्नीस में हुलिया हली में वो उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ में अमेरिका मोन मोनागार्डू उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में एलानीजंगस सौ नवासी में आज का अर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर सं, संगीलिया प्रायस दो हजार संजो 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति 1975 की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी हैं इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति उन्नीस पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनित किया गया है वामल भोसले एंड गुरुदत्त सहल द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया है बाईस नवंबर उन्नीस को ये मूवी रिलीज हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश और इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहां वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफ अवसाद पागलबन हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह स्थानागत हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाव के दिन रात नशे में डूब जाता है नति उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वे उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो पर यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यही पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन हैं और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया ललिता के रूप में भारती आर आचरेकर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनेना के रूप में डाला गया है नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है आगा बिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लालाजी के रूप में यूनुस परवेश चं, चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंद लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले छू छू से तू सुरेश वाडकर आशा भोसले देख मैं कहाँ चुप हूं इस। एस पी सोलाजी कविता कृष्ण मूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है यह बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वॉट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंचीय नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं उन्हें 2003 हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो उन्नीस के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीवि फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी इंटर इंटरटेनमेंट्स के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिय वर्ष इनकी उन्नीस उन्नी 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 वर्तमान में थी संगठन बालाजी बालाजी मोशन फिल्म पिक्चर्स ओल्ड बालाजी साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और 1974 में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गांव मुंबई में सेठ गोन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी सातारा वी को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960, 1960 से 1990 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपने पहला बड़ा ब्रेक भी संताराम की गीत गया पटनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती उन्नीस में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बहारों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिल रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फ़र्ज के बाद कारवा और जोशी फिल जैसी फिल्में आई जिनमें अजित थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी बरसाथियों के लिए मेल खाती है टी राव टी के बापष्या के राघवेंद्र राव और दा, दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस चौधरी मवाली उन्नीस हिम्मत वाला हिम्मतवाला उन्नीस तोहफा उन्नीस शामिल है उन्होंने हिंदी के केशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माजीरे मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है व्यक्तिगत जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विदाई की रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अभिनेता हैं जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है 2002 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में छः नवम्बर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस सौ पिछहत्तर की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप वैन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और वे अगले दिन निकल गया लगभग ग्यारह साढ़े ग्यारह साढ़े दस से या साढ़े ग्यारह साढ़े दस या साढ़े दस या, या ग्यारह बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा तो देखा कि एक आग का गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उन्हें फ़ोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ वे जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद की कि वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट वन सेवेंटी वन पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस सौ से अठारहवें उज्जला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला 2012 में लाइल्स गोल्ड्स अवार्ड्स के भी गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयप्रदा इस मुझे मुझ जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस सौ बासठ में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक है सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जयप्रदा जा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली और मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देशम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टी डी पी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेम ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक जीवनसाथी श्रीकांत नाहत में उन्नीस में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल्लेनी कथा उन्नीस में शीता कल्याण उन्नीस में आदाबी रामूड़ उन्नीस में यमा गोला उन्नीस में संधि अपना उन्नीस में सिरी गिरी उन्नीस मूवा उन्नीस में हुलिया हली न मेवू उन्नीस सौ उनासी में सरगम शामिल उन्नीस सौ उनासी में अमेरिका मोन मोनागार्डू उन्नीस सौ इक्यासी में कामचोर उन्नीस सौ बयासी में सागर संगम उन्नीस सौ तिरासी में तोहफा उन्नीस सौ चौरासी में संजोग उन्नीस सौ पिचासी में आखिरी रास्ता उन्नीस सौ छियासी में सिंदूर उन्नीस सौ सतासी में संसारम उन्नीस सौ अठासी में एलानीजंगस सौ नवासी में अर्ज आज खर्जुन उन्नीस सौ नब्बे में थानेदार उन्नीस सौ नब्बे में उन्नीस सौ निन्यानवे में, में माँ हब्बा उन्नीस सौ निन्यानवे शब्द वेदी दो हजार में देव देव देवदूतन दो हजार में प्राणायाम दो हजार ग्यारह में ए बंधन दो हजार सात में क्रांतिवीर सं, संगीलियाँ प्रायसा दो हजार संजो उन्नीस सौ पिचासी की भारतीय हिंदी भाषा की एक ड्रामा फिल्म है जो कि विश्वनाथ द्वारा निर्देशित भारतीय इंटरनेशनल बैनर के तहत पी मल्लिकार्जुन राव द्वारा निर्मित है इसमें जितेंद्र जयप्रदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध संगीत है यह फिल्म तेलुगु फिल्म जीवन ज्योति उन्नीस की रीमेक है जिसमें शोभन बाबू विनिस्त्री के मुखिया भूमिका निभाई है संजोग मूवी के निर्देशक श्री विश्वनाथी है इसके जितेंद्र जैन द्वारा इसको लिखा गया है के विश्वनाथी द्वारा इसकी पटकथा की गई है के रामा लक्ष्मी द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है और जीवन ज्योति 1975 पर आधारित है जितेंद्र और जयप्रदा द्वारा इसको अभिनीत किया गया है वामल भोसले और गुरुदत्त सहला द्वारा इसको संपादित किया गया है भारतीय इंटरनेशनल कंपनी द्वारा इसको उत्पादित किया गया बाईस नवंबर 1985 को ये मूवी रिलीज हुई मूवी का कार्य कार्य समय एक मिनट का था देश और इंडिया और लैंग्वेज ऑफ हिंदी थी भूखंड बॉम्बे में रहने वाले नारायण एक गांव में जाते हैं जहां वह मिलता है और गांव की एक लड़की यशोधरा से प्यार करता है और वह भी उसकी ओर आकर्षित होती है और दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद दोनों नारायण के माता पिता भाई और भाभी ललिता और उनके बेटे सोनू के साथ रहने चले जाते हैं यशोधरा सोनू के करीब आ जाती है और अपना सारा समय उस उसके साथ बिताने लगती है यह ललिता के, के कुछ कुछ चिंताएं पैदा करती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कटुता होती है दुख की बात तो यह है कि यशोधरा को तबाह और उदास छोड़कर सोनू का निधन हो गया वह गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन सोनू को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती उसका अफसाद अफ पागलपन हो रास्ता देता है क्योंकि वह सोनू को हर बच्चे में देखती रहती है और परिणाम स्वरूप वह हो जाती है वो नारायण ने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन किया और अपने दुखों और कुठाओं के दिन रात नशे में डूब जाता है नतीजंतन उसकी बेटी को ललिता और उसके भाई को गोद लिया बिना यह जाने कि उसकी असली माता पिता कौन है वर्षों बीत गए उनकी बेटी आशा बड़ी हो गई और खुद एक बच्चे की माँ है और अमेरिका में बस गई आशा भारत की यात्रा एक यात्रा के लिए आती और पूरा परिवार यशोदा से मिलने के लिए इकट्ठा होता है और उस और वह एक कंबल में ढका हुआ लो, लोग का टुकड़ा पकड़े हुए हैं उसे गाते हुए देखते हैं तो तब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वे उसकी आवाज़ से भावुक हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद जब उसको अच्छा लगता है तो यहीं पर आशा को पता चलता है कि उसकी असली माता पिता कौन है और यहीं पर उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया जाएगा इसे ऐसे या गा रहे हैं जैसे कि सोनू हो तो यही पर यहीं पर आशा को पता चलेगा कि उसकी असली माता पिता कौन है और उसे अंतिम बलिदान देने के लिए बुलाया है इसे ऐसे गा रहे हैं कि सोनू हो यही पर आशा पता चलता है कि उसके असली माता पिता कौन हैं और वो गा रहे हैं डालना जितेंद्र के रूप में नारायण को डाला गया यशोधरा और आशा के रूप में जयप्रदा को डाला गया है नारायण के भाई के रूप में विनोद मेहरा को डाला गया है ललिता के रूप में भारती आर को डाला गया असरानी के रूप में चंदू को डाला गया अरुणा ईरानी को सुने सुनेना के रूप में डाला गया है नारायण के पिता को के रूप में अरविंद देश पांडे को डाला गया है आगा बिनी तबुसुमन सोनू के रूप में गोपा कपूर लाल लाला जी के रूप में यूनुस परवेज चं, चंद चंदू दादाजी रेणु जोशी और गीत इस मूवी में जो गीत गाए गए हैं जूजू जूजू यशोदा लता मंगेशकरी यशोदा का नंद लाला लता मंगेशकरी दिल क्या चाहे किशोर कुमार आशा भोसले से तू आए सुरेश वाडकर देख मैं कहाँ चुप हूं एस पी सोलाजी कविता कृष्ण मूर्ति स्वागत संजोग समीक्षाओं द्वारा प्रशासित फिल्म थी वह सकारात्मक से मिश्रित समीक्षाओं के लिए खुला है या बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी पुरस्कार जयप्रदा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में अपना तीसरा फिल्मफेयर नामांकन अर्जित किया जो फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था संदर्भ में लिखा गया है कि संजोग उन्नीस मूवी आई एम डी बी संजोग उन्नीस सौ पचासी कास्ट एंड क्रू बॉलीवुड हंगामा संजोग एट्टी फाइव वेब एंड वॉट कॉम इसके बाद जितेंद्र के बारे में बताया जा रहा है जो जितेंद्र इस मूवी में में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं इन्होंने बहुत अच्छा ही यहाँ पे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और अच्छे से एक्टिंग की है रवि जिनको रवि कुमार के नाम से भी रवि कपूर के नाम से भी जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र जिन्हें उनके मंची नाम से जितेंद्र के नाम से जानते हैं एक भारतीय अभिनेता और निर्माता है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं उन्हें 2003 हज़ार तीन में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2006 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था उन्हें दो के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में उनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता है जिसमें उन्हें अक्षर श्रीदेवी और जय जय के साथ कास्ट लिया जाता है पर्दा व बालाजी टेलीविज फिल्म्स बालाजी मोशन पिक्चर्स और ए एल टी इंटरने इंटरटेनमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं जितेंद्र का दूसरा नाम रवि कपूर है और उन्हें सात अप्रैल 1942 की उन्हीं का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में पैसा इनका अभिनेता और सैक्रिया वर्ष इनकी उन्नीस वर्तमान में थी संगठन बालाजी टेलीफिल्मलाजी बाला मोशन फिल्म पिक्चर्स ओल्ड बालाजी साथी शोभा कपूर इनकी जनजीवन साथी थी और उन्नीस सौ चौहत्तर में इन्होंने शादी की इनके बच्चे एकता कपूर इनकी बेटी और तुषार कपूर इनका बेटा था रिश्तेदार अभिषेक कपूर इनका भतीजा है और प्र, प्र, प्रारंभिक जीवन इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बताया जा रहा है जितेंद्र का जन्म एक पंजाबी खतरी परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ था अमृतसर पंजाब में अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर पहुँच हुआ इनका व्यवसाय नकली आभूषणों से संबंधित था जो फिल्म उद्योगों को आपूर्ति की जाती थी उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ गिर गाँव मुंबई में सेठ सेब्लिस्टियन गोन हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की वी वी संताराम को आभूषण की आपूर्ति करते हुए उन्हें उन्नीस में फिल्म नवरंग में संध्या के चरित्र में डबल रूप में लिया गया इनकी जो आजीविका के बारे में बताया गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 1960 से 1990 के बीच दशक तक फैला रहा जितेंद्र को अपना पहला बड़ा ब्रेक भी संताराम की गीत गया पठनों पे 1964 में बूंद जो बने गई मोती 1968 में मिला हालांकि यह फिल्म कर्ज उन्नीस थी जिसने सफलता के लिए उनके कदम के रूप में काम किया कर्ज आ, फर्ज जो मूवी थी उन्नीस में में मस्त बाहरों का एक आशिक नंबर के लिए उन्होंने एक रिटेल स्टोर में जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते खरीदे वह उनका ड्रेम ड्रेम मार्क बन गया फर्ज के बाद कारवा और हम जोशी फिल्म जैसी फिल्में आई जिनमें अजितंदन ने डांस नंबर ज़्यादा थे फिल्मों में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें यह उपाधि दी कि बॉलीवुड के जेपिंग जेपिंग जैक उन्होंने मुख्य रूप के भूमिका के रूप में लगभग दो सौ फिल्मों में अभिनय किया जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद उनके कुछ मुठ्ठी भरसाथियों के लिए मेल खाती है टी राना टी रामा राव के बापष्य के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव द्वारा तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्षर जय पर्दा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा जाता था संजोग आलोद औलाद मजाल जस्टिस चौधरी मवाली उन्नीस सौ तिरासी हिम्मतवाला उन्नीस सौ तोहफा उन्नीस शामिल हैं जिन्होंने हिंदी के मेकेशन की तेलुगु फिल्मों और उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता था किनारा और खुशबू लेखक गीताकार गुलजार के साथ काम किया था जिसमें ओ ओ माजीरे मुसाफिर हूँ जैसी कई खूबसूरती के लिए गाए गाने थे यारों के नाम गम जाएगा राहुल देव बर्मन द्वारा रचित एक किशोर कुमार द्वारा गाया गया, गया। परिचय जैसी फिल्मों में है के जीवन में जितेंद्र का जो व्यक्तिगत जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि जितेंद्र अपनी पत्नी शोभा से तब मिले जब वह केवल चौदह वर्ष की थी उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की कॉलेज गए और एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थी ब्रिटिश एयरवेज में के साथ एयर होस्टेस के रूप में कार्य करती थी जब जितेंद्र 1960 और 1966 के बीच खुद की एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह उन्नीस तक उनकी प्रेमिका थी अट्ठारह अक्टूबर उन्नीस को विदाई की रिलीज विधाई के रिलीज तक यह नहीं था कि जितेंद्र और शोभा ने पाने का फैसला किया शादी जो उन्होंने उनकी कुटीर में एक साधारण समारोह में की जिसमें केवल एक कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे उनकी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिक ने दावा किया कि उन्होंने लगभग शादी कर ली थी लेकिन वह पीछे हट गई शादी से जितेंद्र और शोभा के दो बच्चे हैं उनकी बेटी एकता कपूर दौड़ती है और बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म में उनके बेटे तुषार कपूर भी अब अभिनेता हैं जितेंद्र ने अपनी बेटी द्वारा निर्मित कुछ फिल्म तो है जो संचित रूप से अभिनय किया है दो हज़ार दो में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें वह अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर दो को एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने उन्नीस की एक घटना बताई उन्हें करवा चौथ पर एक फ्लाइट से मद्रास जाना था उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह एक घर वापस चला गया तब शोभा आवश्यक अनुष्ठान कर सके जैसे ही चंद्रमा को देखना है तो अपना उपवास तोड़ना शोभा ने उसे वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया और इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप बहन में बुलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा और वे अगले दिन निकल गया लगभग ग्यार, देखा, तो देखा गोला हवाई अड्डे की ओर जा रहा है बाद में कुछ घंटों बाद उनके फोन की घंटी बजी रही थी तो लोग यह जानने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ वे जिस फ्लाइट से जाने वाले थे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी शोभा की दूरदृष्टि जिद कि की की वह न जाए वरदान साबित हुई है वह फ्लाइट थी एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 171 पुरस्कार सम्मान के लिए और मान्यताएं उन्नीस से अठारहवें उज्जला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स में गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड्स उनको मिला था 2002 में न्यूयॉर्क से जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2004 में अल्टम क्लिक सिटी में लीजेंट ऑफ इंडिया सिनेमा पुरस्कार मिला 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2008 में सुसुई टेलीविजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2012 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड्स मिला दो में लाइल्स गोल्ड अवार्ड्स के में गया संदर्भ में दिया गया है कि हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जब अभिनेता ने श्रीदेवी से जय पर्दा को अपनी बेटी और मक्खन कहा तो उन्होंने कहा कि उनका करियर तेलुगु फिल्मों के लिए बकाया है इंडियन एक्सप्रेस सत्रह सात अप्रैल दो हजार इक्कीस जितेंद्र जीवनी जितेंद्र बायो जयपरदा इस जय जयप्रदा ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है जयप्रदा का जन्म तीन अप्रैल उन्नीस में हुआ था एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिक है सत्तर के दशक के अंत में अस्सी के दशक से नब्बे के दशक की शुरुआत उन्हें तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग दोनों में सबसे प्रतिष्ठा प्रभावशाली अभिनेत्री में से एक माना जाता है जब जा प्रदा दक्षिण में तीन फिल्म फेयर पुरस्कारों से प्राप्त करता है और उन्होंने कई तमिल मलयालम कन्नड़ बंगाली और मराठी फिल्मों के साथ कई तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया तेलुगु प्रदेश देसम पार्टी में शामिल हुई उन्होंने फिल्म उद्योग को अपने कैरियर के लिए चरम पर छोड़ दिया और टीडीपी उन्नीस सौ चौरानवे में, में और राजनीति में प्रवेश किया वह दो हजार चार से दो हजार चौदह तक रामपुर के सांसद चार से सोलह मई दो हजार चौदह तक रहा इससे पहले नूर बानो इसके इनके द्वारा सफलता नायपाल सिंह और चुनाव क्षेत्र रामपुर राज्यसभा के सदस्य ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे से नौ अप्रैल तक रहे व्यक्तिगत जीवन इनका जयप्रदा का रियल नेमित ललिता रानी है जो तीन अप्रैल उन्नीस राजमुंदरी आंध्र प्रदेश भारत में थी पैदा हुई राजनीतिक दल तेलुगु देश पार्टी 2004 तक समाजवादी पार्टी 2004 से 2010 तक राष्ट्रीय लोक दल 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान तक साथी श्रीकांत उन्नीस सौ छियासी में शादी की दो पुत्र हैं दस्तक हैं अभिनेत्री इरा इनका एक पेशा है इनकी कुछ यादगार फिल्मों में हैं अतुल कथा उन्नीस सौ छिहत्तर में शीता कल्याण उन्नीस सौ